सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इसरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी और बसपा की सरकार बनने पर सबसे पहला काम प्रदेश को नशा मुक्त करने का किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने संकल्प लिया हुआ है कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनते ही एक माह में चिट्टे के नशे को जड़ मूल से पूरी तरह खत्म किया जाएगा, जबकि भाजपा सरकार चिट्टे के नशे को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अगर सरकार में दम है तो सभी राजनीतिक नेताओं का ड्रग टेस्ट करवाएं, जेजेपी इसके लिए तैयार है। ये बात दिग्विजय चौटाला ने कालांवाली हल्के के गांव जलालाना, खयोवाली, रोहड़ावाली, आनंदगढ़, रघुआना, बड़ागुड़ा, छतरिया आदि गाँव में जन चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बात करते हुए कही। अपने जन चौपाल कार्यक्रम में दिग्विजय चौटाला ने गांव की चौपाल में बैठकर सभी से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर बताई और कहा कि मौजूदा खट्टर सरकार से सभी परेशान हैं। ग्रामीणों से बातचीत के बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस क्षेत्र में किसानों के खेत को पानी की बहुत कमी है, इसीलिए जेजेपी बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही घग्गर का पानी चैनल बनाकर खेत खेत तक पहुँचाया जाएगा ताकि फसलों को पूरा पानी मिल सके। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जब से जननायक जनता पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ है, लोगों में इसके प्रति उत्साह का माहौल है। आज के दिन ये गठबंधन भाजपा का विकल्प बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी और बसपा का गठबंधन किसान और कमेरे वर्ग का राज लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर किसान और गरीब का कर्ज माफ, बुढ़ापा पेंशन की उम्र कम करके महिलाओं को 55 साल और पुरुषों को 58 साल की उम्र से पेंशन दी जाएगी। युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। कालांवाली से चांद सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। जनसंपर्क अभियान, जन चौपाल जो दुष्यंत जी ने शुरू करी थी और उसके साथ साथ 25 सितंबर में चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म दिवस सम्मान दिवस समारोह के तौर पर मैम में मनाने का पार्टी ने फैसला लिया है, उसका निमंत्रण सबको देना। आने वाला जो चुनाव है उसमें राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करना और चुनाव के लिए वोट की अपील करना, लोगों के मुद्दों को जानना और उसे पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करना, इन सारी बातों को ले सारे विषयों को लेकर के आज खेवाड़ी और अन्य गांवों का दौरा।